एक बार गौतम बुद्ध अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करते और अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उन्होंने बताया कि बुरी बातों को बार बार याद करने से हमारी परेशानियां बढ़ती हैं और मन अशांत रहता है, इसलिए दुख देने वाली बातों को भूलकर हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। और उन्होंने यह भी बताया कि क्रोध ऐसी अग्नि है जिसमें क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां बैठे हुए थे। उन लोगों में बहुत गुस्से वाला एक व्यक्ति भी बैठा हुआ था। उसे ये सब बातें पसंद नहीं आई। वह अचानक उठा और बोलने लगा कि बुद्ध, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना ही तुम्हारा काम है और यहाँ बैठकर लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के ज़माने में कोई मायने नहीं रखती। व्यक्ति लगातार बुद्ध को अपमानजनक बातें सुनाता जा रहा था। वहाँ बैठे सभी लोग ये देखकर बहुत हैरान थे कि बुद्ध ये सब शांति से सुन कैसे रहे हैं और वे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। और वह क्रोधी व्यक्ति तो बुद्ध को शांत देखकर और भी ज़्यादा क्रोधित हो गया। वह बुद्ध के पास गया, उनके मुख पर थूक कर वहां से चला गया। घर पहुंचकर क्रोधी व्यक्ति का जब मन थोड़ा शांत हुआ तो उसने अपने किए पर बहुत पछतावा किया। वह बुद्ध से क्षमा मांगने पहुंचा, लेकिन उस गांव से बुद्ध आगे की ओर चल पड़े थे। वह व्यक्ति बुद्ध को खोजते हुए दूसरे पड़ोस के गांव में पहुंच गया। वहां व्यक्ति को जैसे ही बुद्ध दिखाई दिए, वह उनके चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि भाई, तुम कौन हो और क्षमा क्यों मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, आप भूल गए क्या? मैंने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, आपका बहुत अपमान किया था। बुद्ध ने कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया हूँ और तुम अभी तक उसी में अटके हुए हो। तुम्हें गलती पर पछतावा हुआ, तुमने पश्चाताप कर लिया, अब तुम निष्पाप हो गए हो। पुरानी और कल की बातें याद करने से हमारा आज बर्बाद हो जाता है। इस आदत की वजह से भविष्य बिगड़ जाता है, इसलिए बीते हुए कल की बातों को भूलकर तुम आगे बढ़ो। हमारे लिए बेहतर यही है कि पहले हम सोच समझकर बोलें और व्यवहार करें। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।